हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक नया रेसिपी दिखा रही हूं। रेसिपी का नाम जिंजर चिकन। जिंजर का चिकन इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। चिकन, ऑलिव ऑयल, सूखा नारियल पाउडर, जिंजर और लहसुन। लहसुन कम डालना है, जिंजर लहसुन से थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लेना है। और गसगसा पेस्ट, ऑनियन पीसेस, टमाटा पीसेस, हरा मिर्ची पीसेस, नमक, वाटर, हल्दी, चिल्ली पाउडर, चिकन मसाला। अभी शुरू करेंगे। स्टोव को ऑन किया, अभी कढ़ाई रख दिया, थोड़ा गीला है, उसको सुखा लेना। सबसे पहले ऑलिव ऑयल को डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अभी सिम में रखेंगे। अभी सबसे पहले जिंजर लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। कच्चा जाने तक गोबाल ये जिंजर से है ना, कच्चा होने से है ना टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसको पूरा बॉईल करना है, अच्छा से चुभाने तक इसको थोड़ा गोल्ड कलर तक फ्राई करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये मसाला पूरा अच्छे से फ्राई करना है, तभी चिकन का टेस्ट आएगा। ऐसे घुमाते रहना, नहीं घुमाने से ना ये पूरा नीचे जल जाएगा। जल जाएगा तो हो गया बस चिकन का टेस्ट, इसलिए इसको घुमाते रहना पड़ेगा। ये थक जाएगा तब तक आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भूलना मत जाना, नोटिफिकेशन बेल क्लिक कीजिए, आपका परिवार आपका दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए प्लीज। बस ये उबल गया है, अच्छी से उबाल हो गया। अभी इसके बाद में ऑनियन पीसेस डालेंगे। ये ऑनियन पीसेस भी गोल्ड कलर आना चाहिए, ये भी थोड़ा फ्राई होना चाहिए। इसका साथ थोड़ा चार पीसेस चिल्ली पीसेस डाल दिए। बस इसको पूरा अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा, ये भी थोड़ा ब्राउन कलर आना चाहिए। इसको थोड़ा उबालना पड़ेगा। नमक डालेंगे, और
अभी कैच कैच का हल्दी डालेंगे हम यही ज़्यादा यूज़ करेंगे कैच वाला कंपनी का यूज़ करती हूँ हर चीज़ में अभी टमाटर पीसेस डालेंगे ये भी दो मिनट फ्राई करेंगे कच्चा खुशक जाने तक फ्राई हो गई अच्छे से पूरा मसाला पूरा अभी इसमें हम चिकन को डालेंगे इसको अच्छे से मिलाना मसाला पूरा चिकन को पकाना पड़ेगा मैंने चिकन को पहले पूरा अच्छे से वॉश किया था दो तीन बार करने के बाद उसमें थोड़ा चिल्ली पाउडर और थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी डाल दिया और छोटा नींबू का आधा टुकड़ा रस भी डाल दिया डाल के मैरिनेट करके मैंने उसको 15-20 मिनट छोड़ दिया ये मैरिनेट वाला चिकन को मैंने इसमें डाल दिया आप लोग को भी पता होना चाहिए ना ये कैसा बना के रख दिया मैंने इसलिए आपको बोल रही हूँ ऐसा बोलने से आपको बनाने में इजी आएगा अभी हम इसको 5 मिनट उबाल देंगे ढक्कन डाल के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए अभी देखेंगे कहाँ तक आ गए चिकन आसपास तैयार हो गया से उबल गए अभी इसमें हम गसगसा पेस्ट अभी इसको 2 मिनट इसको मिला देंगे अच्छे से पूरा ये गसगसा पेस्ट डालने से बहुत अच्छा टेस्ट बनता है ग्रेव अच्छा बनता है आपका मर्जी पूरी के साथ का हो या रोटी के साथ का हो और चावल का साथ का हो कोई भी चीज का साथ हो इसको खा सकता है अभी सूखा नारियल का पाउडर डालेंगे अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे इसको भी 2 मिनट इसको अभी पूरा मिला के फ्राई करेंगे चिल्ली पाउडर डालेंगे थोड़ा सा पहले मैंने कैची वाला चिल्ली पाउडर पहले मैं डाल चुका है मैरिनेट में अभी डाल दिया थोड़ा सा ग्रेव के लिए फिर इसको मिला देंगे अच्छे से इसको मिला देंगे पूरा
मछली बॉर्ड को हाँ ये पूरा मिल गए। अभी चिकन मसाला डालेंगे। बस अभी इसको भी पूरा तरफ चारों तरफ मिला देंगे। ये मसाला भी डालेंगे, पूरा मिला देंगे। पूरा मिल गए अच्छे से, पूरा मिल गए। अभी इसमें हम थोड़ा सा ग्रेव के लिए पानी ले लेंगे, थोड़ा सा मतलब 1 कप पानी। अभी इसको मिला देंगे पूरा। इसको हम 10 मिनट छोड़ देंगे ढक्कन डाल के। बस हो गया। इसको अभी सर्विंग बाउल में ले लेंगे। जिंजर चिकन तैयार हो गया। यम्मी यम्मी, वाओ, टेस्टी टेस्टी जिंजर चिकन ready। please subscribe कीजिए, like कीजिए and notification bell click कीजिए। आप परिवार, आपका फ्रेंड, दोस्तों को सबको share कर दीजिए। please subscribe कीजिए। बस thank you।